हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं उड़द की दाल। तो उसके लिए क्या करना है कि मैंने चौथाई कप दाल ली थी, 1/4 कप, ये मैंने दो लोगों के लिए बनाई है। तो 1/4 कप दाल ली थी, उसको मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर भिगो लिया था 15-20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें ये दाल डाल दी है और इसका 4 गुना पानी डाला है। जितनी दाल है उसका 4 गुना पानी डालेंगे। तो ये मेरी 1/4 कप थी, तो 1.25 कप के करीब पानी डाल देंगे इसमें। फिर थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और फिर इनको डालने के बाद इनमें उबाल आने देना। जब उबाल आएगा तो ये जो झाग होते हैं इनको निकाल लेना, इन्हें निकाल के फेंक देना। इस तरह से झाग नहीं रहने चाहिए दाल में, क्योंकि अगर झाग रहते हैं तो फिर इससे कुकर की जब वो सीटी निकलती है तो उसमें सारा पानी भी निकल जाता है दाल का और गैस वगैरह भी गंदी हो जाती है और ये जो झाग होते हैं नुकसान भी देते हैं। फिर एक पैन लेना, उसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डालना और जब घी गर्म हो जाएगा आपका तो उसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देना और थोड़ी सी हींग डाल देना। और हींग डालने के बाद थोड़ी सी अदरक डाल देना, ये मैंने 1 इंच अदरक लिया था, उसको बारीक काट लिया था, वो डाल देना। 1 हरी मिर्ची का डाल देना बारीक कटी हुई, चूने चला लेना थोड़ा सा। फिर उसके बाद 1 प्याज लिया, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल देना। और उसे भी भून लेंगे प्याज को। जब हमारा प्याज भून जाएगा, हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का गोल्डन ही रखना है, तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। पहले से भून लेंगे हल्का गोल्डन, फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। ये टमाटर डाल दिए मैंने, 1 टमाटर लिया था, ये बड़ा टमाटर था तो मैंने 1 ही डाला था, अब क्या हो तो 2 डाल देना। फिर टमाटर डाल के इसे पका लेंगे अच्छे से, जब तक टमाटर हमारे गल से नहीं जाएंगे, पक से नहीं जाएंगे। जब हमारे टमाटर पके से हो जाएंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा देगी मिर्ची डालेंगे। देगी मिर्ची डाली थी मैंने, बाद में डाली है, क्योंकि बाद में डालने से इसका रंग वैसे ही रहेगा, रेडी रहेगा। फिर उसके बाद जो हमारी दाल है बॉयल्ड हो गई है वो डाल देंगे। अगर पानी डालने की ज़रूरत होगी तो डाल देना, अपनी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख लेना, जैसे आप गाढ़ी या पतली जैसे भी खाते होंगे। और इसे पका लेना थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और फिर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला लेना और वो डाल देना, मैंने भी ऐसे ही किया था। फिर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालना, बिना हरे धनिया के तो दाल में खुशबू ही नहीं आती, इसलिए हरा धनिया भी डालना बहुत ज़रूरी है। तो हरा धनिया डाल देना, उसे गार्निश कर लेना और फिर इसे एंजॉय करना। इसे चावल या रोटी के साथ जैसे भी चाहो वैसे खा लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब की भी ना मत जाना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।